नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आरओ एआरओ के प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आरओ एआरओ के प्रिपरेशन के लिए एक डिटेल्ड स्टडी प्लान क्या हो सकता है। ये वीडियो वास्तव में न केवल फ्रेशर्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, यानी जो लोग इस परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बल्कि साथ ही साथ जो वेटरन्स हैं यानी जो अनुभवी लोग हैं उनके लिए भी यह समान रूप से कारगर होगा। आप लोगों को पता ही है कि अभी इस परीक्षा होने में कम से कम 5 से 6 महीने का अच्छा खासा समय है, जिसमें आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसका देखेंगे सिलेबस, तो जीएस हिंदी ये चीजें ही हैं, और वो भी जीएस कोई सब्जेक्टिव नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर 5 से 6 महीने में इसको प्रिपरेशन करने की अच्छा खासा आपके पास समय है। तो इसको समझने के लिए कि क्या हमारा प्रिपरेशन प्लान एक बेहतर तरीके से हो सकता है, वो उसको हम लोग सबसे पहले तो इसमें जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। और सिलेबस में वास्तव में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि क्या है, इसलिए मैं सिलेबस जो है उसको डिस्कस करने के बजाय हम लोग उस सिलेबस को किस प्रकार से प्रिपेयर करें उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिलेबस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स का जो पोर्शन है उसको कैसे तैयार करें, और साथ में मेंस का। अब देखिए, जो हम लोग यहां पर रणनीति बताने जा रहे हैं वह एक प्री कम मेंस अप्रोच के साथ में एक समन्वित रणनीति है, जो वास्तव में आपको अंतिम रूप से चयनित होने में ज्यादा मददगार साबित होगी, ना केवल प्री पास कराएगी बल्कि मेंस में भी। क्योंकि आपका यह समझ लीजिए कि जो आपको सिलेक्शन मिलता है वो केवल मेंस के नंबरों की बदौलत मिलता है, सिलेक्शन आपका प्री की बदौलत नहीं मिलता है। प्री इज जस्ट अ क्वालिफाइंग, आप उससे क्वालिफाई करके यहां पर जाते हैं, यहां पर जो अंक आते हैं उसी पर सिलेक्शन मिलता है। प्री करने वालों की भी संख्या अच्छी खासी रहती है, 3-4 हजार लोग क्वालिफाई करते हैं, तो इसलिए वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब देखिए, यहां पर प्री में आपका जो आता है वो आता है जीएस और हिंदी का। यहां मेंस में देखेंगे तो मेंस में भी आपका जीएस आता है, हिंदी आता है, इसके साथ में एक आता है हिंदी ड्राफ्टिंग का पोर्शन। ड्राफ्टिंग का मतलब जो जिसे हिंदी आलेखन या प्रारूपण कह देते हैं, उसके साथ ही एक निबंध का पेपर आता है, एसे का। अब देखिए, यहां पर जो यहां पर जीएस का सिलेबस है वो डिट्टो है एकदम यहां के सिलेबस से, ठीक है। ये हिंदी ऑब्जेक्टिव होती है और ये हिंदी होती है सब्जेक्टिव, इसी प्रकार से ये भी होता है निबंध भी सब्जेक्टिव। ऑब्वियसली निबंध ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, और जीएस दोनों जगह यहां पे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, जो जीएस का पोर्शन है ये दोनों का सिलेबस सेम है, इनफैक्ट अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर कुछ अलग से सिलेबस दिया ही नहीं हुआ है, बल्कि यही लिखा हुआ है कि जीएस का सिलेबस वही है जो प्री में है, तो ये सिलेबस सेम है। हालांकि इसमें जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तब हम लोग पाते हैं कि यहां पे पूछे जाने के पैटर्न में या इंपॉर्टेंस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहाँ पे कुछ सेक्शंस पे जो ज्यादा फोकस किया जाता है वो प्री में नहीं किया जाता है, उसको हम लोग समझते चलेंगे क्रम बाय क्रम जो भी। और उसके बाद देखिए, हिंदी में जो आपका पोर्शन आता है इसमें यहाँ पर जो 6 टॉपिक्स आते हैं उनमें से एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे 5 टॉपिक्स मेंस में आते हैं। अब देखिए, तो हिंदी ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है इसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं ये इससे ज्यादा नहीं है बल्कि कम ही है, तो यानी कि अगर आप प्री को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका मेंस का ये दोनों पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। प्री को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, मेंस का आपका हाफ डन हो जाएगा काम। दूसरी बात कि यहां पर जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। सॉलिड का मतलब कि यहां पर जो मार्क्स मिलते हैं उसमें दरअसल कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको जो मान लीजिए आपका जो निबंध आप लिख के आए हैं वो आप अपनी नजरों में बहुत अच्छा लिख के आए हैं, आप जो पत्र लिख के आए हैं वो आप अपनी नजरों में बहुत अच्छा लिख के आए, आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, परंतु वो एग्जामिनर को भी पसंद आएगा कि नहीं, कॉपी चेक करने वाला कहीं उसे देख के उसे फाड़ने का मन ना करे, ऐसा भी कई बार होता है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा लिख दिया निबंध, पर वास्तव में वो उतना अच्छा होता नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां पे आप अपने मार्क्स का कुछ भी नहीं कह सकते, कोई गेस लगा ही नहीं सकते, यहां पे ये सॉलिड है। तो यानी कि फिर से वही बात निकल के आती है कि मेंस में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अगर अच्छे से मतलब आपको अंतिम रूप से अगर चयनित होना है, तो फिर आपको इन दोनों पोर्शन में कमांड करनी होगी, इसको अच्छे से देखना होगा।
और दूसरी बात कि अगर मेंस तक पहुंचना है, मेंस तक हमें पहुंचना है, तो वो तो तभी आप पहुंच सकते हैं जब आप प्री पास करें। तो यानी कि प्री की जो दोनों सब्जेक्ट हैं उनको पहले हमें अच्छे से समझना है कि इसको कैसे करें। तो चलिए आते हैं इस पे। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी का पोर्शन। देखिए ये मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो पर्याप्त अनुभव के बाद में अर्जित की गई हैं, इसलिए ये जो आपको रणनीति बताई जा रही है ये समझ लीजिए कि आपको पूरे YouTube में शायद कहीं भी ना मिले इस तरह की रणनीति। और जो भी लोग केवल आपको ये कहते हैं कि 10 दिन या 15 दिन में हम प्री पास करा देंगे या एक महीने में प्री पास कर लीजिए, वैसी कोई स्थिति वास्तव में होती नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी पोस्ट है उसके लिए ठीक ठाक तरीके से पढ़ना होता है। 10-15 मिनट वाले वीडियोस से आप सोचे कि आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो, या शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाई हो जाएगी, वैसे कोई पढ़ाई नहीं होती है, खासतौर पे जो ग्रुप बी की परीक्षाएं हैं उनमें। और दूसरी बात कि जो यहाँ पर मेंस वाला पोर्शन है उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत लेके चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हिंदी का जो प्रिपरेशन है जीएस आपका प्रीलिम्स में, उसको हम लोग कैसे करें, तो उसको देखते हैं। चलिए हम लोग ये ले लेते हैं हिंदी वाला जो हमारा पोर्शन है, और इधर ये जीएस का है। ये बात कर रहे हैं हम लोग प्रीलिम्स की स्पेशली। अब देखिए हिंदी में आपको पढ़नी रहती हैं दो किताबें, मान लीजिए हिंदी में आपको पढ़नी है केवल दो बुक्स, जीएस में कितनी बुक पढ़नी है, तो मान लीजिए 16-18 बुक्स या जितनी भी आप मान लीजिए कोई रफ आइडिया जो भी ले लीजिए, 16-17 किताबें आप लोग जब पढ़ेंगे तब आप लोग जीएस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे केवल एक या दो बुक, कई लोग तो इसको एक ही बुक कर लेते हैं उसी से उनका अच्छा खासा हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की होती है जिनके वास्तव में 60 में 60 नंबर भी आ जाते हैं, जबकि आपको पता होगा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो चाहे जितना भी पढ़ ले वो 140 में से 140 ले आए। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं होती है, ठीक है, जबकि हिंदी में आप पूरे में पूरे ला सकते हैं। तो और यहां पर बहुत कम पढ़ना है, ठीक। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जा रही है कि प्री निकालने की जो स्ट्रेटजी है वो वास्तव में हिंदी से ही होके जाती है। प्री आपका तभी निकलेगा जब आप हिंदी में कमांड कर पाएंगे। उसका कारण ये है, ये भले ही 140 नंबर का आता है और ये भले ही 60 नंबर का ही आता है, ये भले ही आपका 60 ही नंबर का आता है, परंतु आप ये देखिए कि यहां पर आपको पूरे में पूरे लाने की भी चांसेस है, और यहां पे आप बहुत मेहनत करेंगे तो भी आपका मान लीजिए 80 से 85 नंबर आ जाएगा, ठीक है, और उसके लिए आप इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे। तो यानी सबसे पहले आप कमांड बनाइए हिंदी पर। सबसे पहले का मतलब ये नहीं कि पहले हम केवल हिंदी हिंदी पढ़ रहे हैं और जीएस बाद के लिए छोड़ दें, वो बात नहीं कही जा रही है, लेकिन हिंदी को किसी भी कीमत पर पीछे ना छोड़िए, जीएस को भी साथ में लेके चलिए लेकिन हिंदी को भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि हिंदी यहां पर आपको वास्तव में मेरिट में अंक दिलाएगी। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर आप जितने भी मार्क्स यहां पर आप ज्यादा ले आएंगे हिंदी में, उतने ही कम मार्क्स आपके जीएस में लाने की रिक्वायरमेंट होगी। यानी मान लीजिए कि अगर आप हिंदी में 60 में 55 नंबर ले आए तो जीएस में आपको उसी हिसाब से कम हो गया। अगर आप यहां पर 40 ही नंबर लाएंगे तो जीएस में लाना ज्यादा पड़ेगा नंबर, और जीएस में एक एक अंक खींचना मुश्किल होता है, जबकि हिंदी में आप अगर आप अच्छे से उसकी सेक्शन बाय सेक्शन प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही साथ आप उसका टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हैं या फिर उसके क्वेश्चंस देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, तो फिर आप लोग ये समझ लीजिए कि हिंदी का भी आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, हिंदी का पेपर भी ऐसा है कि जब आदमी दे के निकलता है वो पेपर, हर किसी की जुबान से आप यही सुनेंगे कि हिंदी जो है वो बहुत सरल आई थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीएस आरओ में ठीक ठाक लेवल की पूछी जाती है, जीएस कठिन पूछी जाती है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा हिंदी तो बहुत सरल आई थी। लेकिन जब यही लोग अपने अंक मिलाते हैं, आपका जो कट ऑफ जारी, सॉरी जो आपकी आंसर की जा रही होती है, उस समय में जो ये लोग अंक मिलाते हैं तो जितने भी क्वेश्चन ये लोग ऐसे ऐसे करके टिक करते हैं वो सब फिर ऐसे ऐसे करके काटने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर आप समझिए कि हिंदी में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा रहता है वहां पे। आप पढ़े हुए रहते हैं फिर भी आप वहां पर गलत कराते हैं, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं। तो यानी हिंदी के एक अच्छे से प्रिपरेशन यहां पर जरूरी है। जब हिंदी की आप प्रिपरेशन कर ले उसके बाद जीएस में भी आइए,
हिंदी की प्रिपरेशन के बाद, मतलब इसके साथ ही में चलिए, मगर हिंदी की कीमत में नहीं। ठीक है, यहां पर हम लोग एक हिंदी के लिए, आपको पता है कि हम लोग अपने पहले भी यूट्यूब पर कई सारे ऐसे वीडियोज पड़े हैं जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे हिंदी को प्रिपरेशन करा रहे थे, तो वो चीज अब हम लोग दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपका ये प्री की बात हो गई कि प्री में हिंदी और जीएस कैसे करें। ठीक है, अब वापस से हम लोग आते हैं अपने ये वाले सेक्शन पे। अब देखते हैं कि मेंस में ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसको अगर हम अभी से तैयार, सॉरी एक मिनट, अभी हमारा इसमें जीएस का पोर्शन बचा है कि ये जीएस को हम लोग कैसे करें। तो अब देखिए, जीएस को तैयार करने के लिए जीएस जो आप प्रीलिम्स में करेंगे वही आपकी मेंस में भी काम आएगी, तो इसलिए जीएस को भी अच्छे से कवर करना जरूरी है। अच्छे से कवर करने के लिए क्या तरीके हैं? सबसे पहले वही बात कि आप देखिए कि कौन कौन से सेक्शंस हैं उसमें, कौन कौन से सेक्शंस हैं और सेक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट एरियाज को ढूंढिए और जो नहीं इंपॉर्टेंट है उन एरियाज को ढूंढिए। ये कैसे ढूंढेंगे? तो ये आप ढूंढेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसमें आप किसी की सहायता भी ले सकते हैं, वो चाहे कोई भी हो, सीनियर हो, यूट्यूबर हो, या फेसबुक पे कोई ग्रुप चलता हो उसमें आप ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग भी अपने हमारे भी कई सारे वीडियोज हैं जो इन सभी चीजों को समझाते हैं कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, उसमें भी कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, एक सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो ये सारी चीजें भी हमारे भी कई सारे वीडियोज इस पर उपलब्ध है। आप अगर पीछे जाएंगे हिस्ट्री में देखेंगे तो कई सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, खासतौर पर जो आर ओ 2022 करके प्लेलिस्ट है उसमें आपको ज्यादातर ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन सी बुक से करें, कहां से कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें। ठीक है, तो आप पहले तो ये समझिए कि कौन सा सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर कम ध्यान दीजिए। इसको अगर एक बार पढ़िए तो इसको चार बार पढ़िए। ये मान लीजिए कि अगर आपको एक बार आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़िए चार बार। इस तरह का आप एक बैलेंस बनाएंगे तो आपका कम समय में जीएस तैयार हो जाएगी। ध्यान रखिए यहां पर जीएस जो है वो सब्जेक्टिव कहीं भी नहीं है, अनलाइक जो आपका पीसीएस है, तो पीसीएस में आपको जीएस में वास्तव में आंसर लिखना रहता है, जबकि यहां पर आंसर आपको लिखना ही नहीं है, केवल यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो उससे आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा आसान हो जाती है। इसमें करना क्या होता है, तो आप केवल और केवल आप थ्योरी पढ़िए अपनी कोई भी स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक बुक से, और प्लस उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, यानी जो भी चैप्टर आप पढ़िए उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी दो तरीके होते हैं, पहला तो ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, और दूसरा होता है कि आप जो टेस्ट सीरीज होती है उनको देखिए। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको घटना चक्र वगैरह में मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराते हैं, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन उसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप अभी फुल लेंथ टेस्ट ना कीजिएगा। फुल लेंथ टेस्ट आप दीजिए जब आपका एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो लगभग आपके समाप्ति होने के कगार पे हो, दूसरी बात, या फिर आप अनुभवी हो तब आप दे सकते हैं, मतलब आपका सिलेबस पहले से तैयार है, या फिर जब आपका एग्जाम पास में आने वाला हो तब आप दीजिए। अभी इसको फुल लेंथ देने की बजाय आप सेक्शंस पे ध्यान दीजिए, जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज होती हैं। सेक्शनल टेस्ट सीरीज का फायदा यह होता है कि आपको सेक्शन बाय सेक्शन, एक एक सेक्शन के हिसाब से आपकी तैयारी होती जाती है मजबूत, यानी जो भी सेक्शन आप पढ़े उसको आराम से उस पर टेस्ट दे लिए, वो सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ, अगले पे बढ़े। उसमें भी कोशिश करिएगा कि जो भी प्लेटफॉर्म आपको डिटेल्ड स्टडी प्लान दे, डिटेल्ड स्टडी प्लान मतलब कि आपका जैसे मान लीजिए कि वीक में पूरा बता दे, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म कराए वहां पे करिए, लेकिन अच्छी बात कहिए या सौभाग्य की बात कहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में तो आ ही रही होंगी कि ये वास्तव में आपकी पढ़ाई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इसी को मद्देनजर रखते हुए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो फ्रेशर हो या वेटरन हो, हम लोग एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें वास्तव में हम लोग आपको वीकली शेड्यूल देते हैं। यहां पर देखिए आप 27 मार्च को ये चैप्टर्स पढ़ने हैं पॉलिटी में, 31 मार्च को पॉलिटी में ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऐसे करके आप देखिए कि पॉलिटी ये चार टेस्ट के माध्यम से हम लोग पॉलिटी कवर करा रहे हैं। अब देखिए
जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है उसमें वो लोग ठीक है आपको पॉलिटी के 10 टेस्ट दे देंगे, इकट्ठे वो लोग देते हैं पॉलिटी के, आपको 10 टेस्ट मिल गए, कोई चैप्टर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कब तक करने हैं वो सब कुछ नहीं, सारे टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आपको बाकायदा टाइम लिमिट दे रहे हैं, उसमें आप कीजिए। ये टाइम लिमिट ऐसी रखी गई है कि अगर आप केवल फुल टाइमर हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको इसमें उसके बावजूद भी आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा इन सभी से विचलित होने का, यानी कोई आप और काम कर पाए ऐसा हम लोग बनाए नहीं, बहुत टाइट शेड्यूल रखे हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये ऑनलाइन हमारे ऐप पर होनी है, इसलिए जो मान लीजिए जो लोग जॉब में हैं या फिर कुछ और कहीं व्यस्त हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ये सुविधा है कि अगर वो चाहें तो 31 तक अगर उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो वो 1 अप्रैल को दे सकते हैं, 3 अप्रैल को अगर उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो वो 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को दे सकते हैं। अगर 3 अप्रैल को उनकी प्रिपरेशन दिन में 12 बजे नहीं हो पाई है या शाम को 6 बजे जैसे टेस्ट होता है उस समय नहीं हो पाई है, तो वो रात में 2 बजे तक अगर वो लोग जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट कर लें 2 बजे दे दें। तो इस तरह का उसको एक फ्लेक्सिबल भी रखा गया है। तो टाइट शेड्यूल के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे हमारा संविधान है नम्य और नम्य, वैसे ही हम लोग ने भी अपनी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बनाया है। और आप देखिए तो 27 से लेकर 7 अप्रैल 11-12 दिन में आपकी पॉलिटी आराम से कवर हो सकती है। जो भी लोग करते हैं, जो भी लोग इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं, वो जानते हैं कि पॉलिटी आपकी 11-12 दिन में कवर हो सकती है। दूसरी बात कि अगर आपको इससे ज़्यादा भी समय दिया जाएगा तो कई लोग फिर इसमें PhD करने लगते हैं, जबकि हमें यह भी देखना है कि पॉलिटी आती कितने नंबर की है, तो ये भी तो ध्यान रखना है कि पॉलिटी आती कितने नंबर की है। और पॉलिटी का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, जिन चीज़ों का ज़्यादा वेटेज है उसको हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सॉरी अभी हम भी थोड़ा सीख ही रहे इसलिए थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम है। देखिए आप ये एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, एग्रीकल्चर चूंकि RO/RO के टेस्ट सीरीज में RO/RO के पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर को अलग से इसमें पेपर में तवज्जो दे रहे हैं। इसके 2 टेस्ट होंगे एग्रीकल्चर के, तो आप वो समझिए कि इस तरह की अगर आपको कहीं पे भी टेस्ट सीरीज मिल रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग भी ये टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए वहां से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये सब चीज़ें तो हो गई आपकी प्री एग्जाम की, अब आगे देखते हैं कि ये जो मेंस का एग्जाम है, मेंस का जो एग्जाम है उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं अब GS और हिंदी, अब GS और हिंदी में अगर आपने अच्छे से टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको प्रिपेयर कर लिया तो GS और हिंदी आपका वैसे भी तैयार हो जाएगा। GS यहाँ पे आता है 120 नंबर का, हिंदी आती है आपकी 60 नंबर की, ठीक है, तो यानी 180 नंबर आपका ये तैयार हो गया। उसके बाद आपका आता है निबंध का पोर्शन और चौथा आता है ड्राफ्टिंग का पोर्शन। अब ड्राफ्टिंग का पोर्शन आता है 100 नंबर का, ये आता है 120 नंबर का, टोटल पेपर होता है 400 नंबर का, ठीक है। अब देखिए यहां पर ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है ये, दरअसल आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इसमें जो प्योर सब्जेक्टिव होता है, प्योर सब्जेक्टिव का मतलब कि उसमें जैसे आपको पत्र लिखने हैं, गद्यांश आता है, ठीक है, पत्र आपका आता है ये 8 + 24, ये आपका 24 नंबर का आता है, 3 पत्र लिखने रहते हैं 8-8 नंबर के, तो ये 24 नंबर का हो गया। गद्यांश जो आपका आता है वो आता है 21 नंबर का, 21 में आप देखिए कि तो 3 नंबर का शीर्षक लिखने को आता है और 4 × 12 नंबर की आती है आपकी व्याख्या और ये इधर 6 नंबर का, 12 × 6 = 18, 6 नंबर का आता है सारांश। तो ये आप देखिए कि ये जो है आपका सिलेबस है। अब इसमें देखिए कि 6 नंबर ये जो पोर्शन है गद्यांश वाला और पत्र वाला, और इसके साथ ही एक रख लीजिए आप सारणीयन वाला, सारणी बनाने को आता है, टेबुलेशन, तो ये आता है आपका 15 नंबर का। बहुत ही इजी पोर्शन है, बहुत ही इजी, इसमें पढ़ाने में वास्तव में 1 क्लास भी पूरी तरह से नहीं लगती है, ऐसा ही है, इतना ईजी पोर्शन है। पत्र पढ़ने में आपको 10 से 12 क्लासेज लगेंगी, मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 15 क्लासेज में आपका पत्र लेखन हो जाएगा। गद्यांश, गद्यांश भी आपका 3 से 4 क्लासेज में पूरा गद्यांश वाला ये पढ़ लेंगे आप लोग। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर भले ही आप, वो लोग जॉब में हैं, उन लोग पैसे की उतनी दिक्कत नहीं है, वो कहते हैं कि भले ही आप इसमें पैसा लेके और पेड बैच शुरू कीजिए लेकिन आप ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन भी हमें कराइए। परंतु हम उनसे स्पष्ट मना कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन में वास्तव में आपको ये अभी पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको ये नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्री परीक्षा की तैयारी की कीमत पर पढ़ेंगे और वो मैं नहीं चाहता हूं, मैं आपसे अंतिम रिजल्ट चाहता हूं। इसलिए
जो ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन में जो सेकंड चीज है वो है कि जैसे आपका वहां पर प्रशासनिक शब्दावलियां आती हैं, जो कि वास्तव में आपको उन दो तीन महीनों में पढ़ने में दिक्कत आती है। ये वाला पोर्शन आपका प्री होने के बाद में, जिसका भी प्री होगा उनका मेंस के लिए 2 से 3 महीने में ये आराम से, 3 महीने का समय मिलता है, 3 महीने में ये आराम से हो जाएगा सारी चीजें, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन जो आपका यहाँ पे प्रशासनिक शब्दावली आती है, या फिर जो आपका मुहावरे आते हैं, या फिर ये कंप्यूटर आता है, सॉरी कंप्यूटर कह रहे हैं, मुहावरे और प्रशासनिक शब्दावली आती है, ये सब चीज ऐसी है जो वास्तव में उस समय में पढ़ना, उसको रट पाना वो बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए ये चीजें भी हम लोग, जो हमारा हिंदी वाला पोर्शन कवर हो रहा है, जिससे हम जीएस ये वाली ऑब्जेक्टिव हिंदी कवर करेंगे प्री कम मेंस के लिए, प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए जो हम लोग ऑब्जेक्टिव हिंदी कवर करेंगे, उसी में हम लोग ये ड्राफ्टिंग का ये वाला भी पोर्शन कर लेंगे। इसमें क्या क्या कर लेंगे, तो यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स, प्रशासनिक शब्दावली जिनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, उसके साथ ही साथ मुहावरे, तो ये चीजें भी हम लोग वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यानी आपका एक तरह से देखिए कि मेंस का एक अच्छा खासा पोर्शन आपका यहाँ पर तैयार हो रहा है। चौथा हमारा चीज बचता है ऐसे का निबंध। निबंध एक ऐसी चीज है जिसमें वास्तव में आप अगर कितना भी चाह लें कि प्री के बाद हम लोग निबंध लिख लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आपको विचार चाहिए होते हैं। जीएस आप यहाँ पर पीसीएस की तरह प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि आप उसकी सब्जेक्टिव भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारी चीजें, तो वहां पर आपको क्या है कि लिखने में ही दिक्कत आएगी, निबंध लिखने निबंध के शुरुआत में ही आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए निबंध की प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको अभी करने की जरूरत है, और वो जरूरत को समझते हुए ही हम लोग निबंध का अपना निबंध प्रैक्टिस बैच ला रहे हैं, लाए हुए हैं ऑलरेडी, उसमें 100 से ज्यादा लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ में। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको वीडियो के माध्यम से समझाते हैं, उसकी पीडीएफ नोट्स देते हैं, उसके साथ ही आपको निबंध प्रैक्टिस करने के लिए चीजें देते हैं, टास्क देते हैं। अभी जैसे भूमिका लेखन वाला सेक्शन चल रहा है तो वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि ये जब हो जाता है तो फिर उन कॉपीज को चेक करना, ये सभी चीजें उसमें करवाई जा रही हैं, और बहुत ही कम रेट पे हमारे यहाँ जो भी चीजें रखी गई हैं बहुत ही कम रेट पे रखी गई है, क्योंकि हम लोगों ने हाल ही में इसको शुरू किया है। हमारे लगभग जो है ऑनलाइन जो हम लोगों ने शुरू किया है वो अभी हमें 6 महीना हुआ है, तो 6 महीना कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, अभी शुरू किए हैं हम लोग का सारी चीजें। पहला बैच है जो हम लोग ऑनलाइन पर ले रहे हैं, ऑफलाइन में भले ही हम लोगों ने अनुभव है हमारा 5.5 साल का भी, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में हम लोग पहली बार आए, इस वजह से ये सारी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, और उस नॉमिनल फीस में हम लोग ऐसी तैयारी करा रहे हैं कि आप जो भी इस बैच से जुड़े हैं वो सब फुली सेटिस्फाइड है हम लोगों से, चाहे वो टेस्ट सीरीज के स्तर पर हो या फिर निबंध प्रैक्टिस बैच के स्तर पर। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का भी, हिंदी का जो शुरू करेंगे वो भी हमारा प्री और मेंस दोनों के अप्रोच के साथ में होगा। तो आप समझिए कि आज जो हम लोगों ने एक स्टडी प्लान डिस्कस किया है, आप ये चीज हमारे साथ में प्रिपेयर करें या ना करें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो कहीं और से भी करें, या फिर आप अपने स्तर पर भी करें, तो भी आप यह सुनिश्चित कीजिएगा कि आप प्लान इसी तरह का फॉलो करें, मतलब प्री और मेंस की समन्वित रणनीति फॉलो करें, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होना है वो मेंस के अंकों के आधार पर होना है। दूसरी बात कि मेंस का अच्छा खासा पोर्शन आप पहले तैयार कर लें, दूसरी बात कि जो जीएस और हिंदी का पोर्शन है उसको इस तरीके से तैयार करें कि आपका मेंस भी उससे कवर हो सके, तीसरी बात कि हिंदी पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि हिंदी में कम पढ़ के ज्यादा अंक लाए जा सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आप समझते हुए करते हुए चलिए, मेंस में भी जो जो पोर्शन आपको अभी पढ़ने हैं केवल उन्हीं को पढ़िए, जबरदस्ती आप ये सारी चीजें भी ना पढ़ने लगी है कि कोई अच्छा कोई भी फ्री में पढ़ा रहा है तो पढ़ लें, या फिर कोई अगर पैसे लेके भी पढ़ा रहा है तो भी हम पढ़ लें, आपके लिए क्या जरूरी है वो आप समझिए, और मेरे लिहाज से जो मुझे समझ में आता है वो मैंने आपको बताया। आपके इस पर हमसे मत डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या फिर जो भी हो सकता है, मतलब हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, और जो भी लोग हमारे थ्रू सेलेक्ट हुए हैं उनके भी अनुभव के आधार पर ये कह रहे हैं कि ये जो रणनीति है ये सबसे अच्छी सबसे कारगर रणनीति आपके लिए साबित होगी, ताकि आप अंतिम रूप से समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में चयनित हो सकें। चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।